बिसम रिम्स अल्लुम वरमी वबरक मोहतरम नाज़रीन ग्राम प्रोग्राम प्रोग्रामीम के मेहमान के साथ आपका मेज़बान शाहरुख फिरोज़ कादरी हाजिर ख़िदमत है इस प्रोग्राम में हम मदु करते हैं उन शख्सियात को कि जिनका ताल्लुक किसी न किसी अंदाज़ में खिदमत दीने के हवाले से जाना और पहचाना जाता है ये वो शख़्सियात हैं कि जो इल दीन हासिल करती हैं और फिर दीन मतीन की खिदमत इस अंदाज़ में करते हैं कि या तो तदरीस करते हुए दीनी तालिमात को आम कर रहे होते हैं या इमामत के शोबे से वाबस्ता होते हैं ये वो शख्सियात हैं ये वो ये वो हैं कि जो खिताबत के शोबे से वाबस्ता हैं और फिर आ, अपने खिताबत के ज़रिए अपने मवाइज हसना के ज़रिए को दीन मतिन की तरफ रागिब कर रहे हैं दीनी तलीमत से रूश अनास फरमा रहे हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिद्दीन हजरत लामा मौलाना मुफ्ती सज्जाद उस्मान मदनी दामद बरकात मलालिया आप खतीबो इमाम हैं जामा मस्जिद सिद्दीकी के जबकि आप जामिया गौसिया में दरस निज़ामी की तालीम देते हैं आइए गुफ्तु का आगाज करते हैं हजरत साहब वालेकुम अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि हजरत खैरियत से अल्लाह को हजरत आज की जो गुफ्तगू है मुख्तलि के हवाले से आपसे गुफ्तगू की जाएगी लेकिन मैं शुरू में अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए आपसे अर्ज करूँगा कि ये इरशाद फरमाइए कि जो आप दरस निज़ामी की तालीम के शोबे से आप वाबस्ता हैं और एक अरसे से हम देख रहे हैं आप दरस निज़ामी की तालीम देते हैं तो ये दरसियात का सिलसिला क्या रहा जो आपने पढ़ा अपने के हवाले से कुछ अर्शात तो कमाइएगा और फिर किन किन दर्जगाहों से आपका ताल्लुक रहा कुछ अर्शात समय बसमत वसलामो रसूल बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम को बरकतें अता फ़रमाए आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से क़ुरान मजीद हिफ़्ज करने की भी सहादत हासिल हुई इसके बाद दरस नज़ामी की तरफ मुतवजह हुआ अल्लाह के फ़ल से और दरस नज़ामी की तकमील भी हुई और अब जामिया गौसिया रज़विया से एक अरसा दराज से मैं वाबस्त हूँ और हमारा जामिया जज़ वक्ती जामिया है जी जो दिन भर के लोग काम काज वाले लोग हैं वो लोग रात को जज़ वक्त में आकर दीन की तालीम हासिल करते हैं दरस नज़ामी मुकम्मल करते हैं माशा हजरत ये इरशाद फरमाइएगा कि दरस कुरान के हवाले से आजकल जगह जगह दरसे कुरान का सिलसिला होता है दरस हदीस के हवाले से गुफ्तु होती है तो मसाजिद में जो दरस कुरान का सिलसिला हुआ करता है इसके हवाले से क्या इर्शात फरमाते हैं कि इसके क्या फवायद हैं जी मस्जिदें सिर्फ नमाजों के लिए नहीं है मस्जिदों में से क़ुरान का सिलसिला मुतबात जारी रहना चाहिए आज कल मस्जिदों को नमाज़ों के साथ हमने मुक्त कर दिया है मस्जिदें एक वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला को सजदा किया जाता है और ये वो मकाम है जहाँ पर कई मुसलमान जो एक दूसरे को नहीं जानते वो आते हैं और एक दूसरे से वाबस्ता होते हैं एक दूसरे से सलाम दुआ होती है और लोग जब मस्जिद की तरफ आते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मस्जिदों में ऐसे सिलसिले शुरू किए जाए कि लोग वहाँ से कुछ लेकर जाए यानी दुरूस कुरान का सिलसिला दरस हदीस का सिलसिला वहाँ पर होना चाहिए और लोग वहाँ से कुछ लेकर जाए ये हमारी कोशिश होनी चाहिए फिर मजीद ये है कि ना सिर्फ दरस कुरान तक बल्कि इस वक्त जो है हमने मस्जिद को अफसोस की बात है या फिर इसको जो है हमारी सुस्ती का है हमने जो है नमाज़ों तक मुक्त कर दिया है जबकि जो है मस्जिद को बहुत बड़े पैमाने पर इलाकाई सतह पर काम करना चाहिए मतलब हमारे इलाके की जो जक़ात है वो मस्जिद से बट रही हो यानी अहले मस्जिद को मस्जिद के इमाम को मस्जिद इंतज़ामिया को मालूम हो कि मस्जिद में मस्जिद के इर्द गिर्द कहाँ पर वरबा बसते हैं मस्जिद में क्या क्या काम होना चाहिए किन दुरूस का सिलसिला शुरू होना चाहिए और मजीद ये है कि मस्जिद में जो है एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो मस्जिद के साथ वा होने वाले अफराद हैं वो वहाँ से कुछ लेकर जाए कुछ सीख कर जाए तो कुरान का सिलसिला बाज जगहों पर तो बाकायदा नजर आता है लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर दरस कुरआन का ना नासिलसिला ना, ना, ना सिल, ना है मज़ीद वहाँ पर अफसोस का मकाम ये है कि जुमा के खिताबा में भी लोग आखिर में आ रहे होते हैं। यानी अदम दिलचस्पी इतनी है इल्म दीन से कि जुमा के खिताबात में भी आखिर में लोग तशरीफ़ ला रहे हैं तो लोगों को रगबत दिलाई जाए लोगों को जो है दिलचस्पी दिलाते हुए लोगों को मालूम देते हुए दुरूस कुरआन की दावत दी जाए और दरसे कुरआन की बाकायदा बड़ी बड़ी महफ़िलेंायम की जाए ताकि जो है लोग वहां पर आए और सीख कर जाए तो इन शेयद हासिल होंगे खुद रपजला ने फरमाया बल तक एक ग्रह ऐसा होना चाहिए कि जो जो है नेकी की दावत दे और बुराई से रोके तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो घर से निकले और नेकी की दावत दे और बुराई से रोके तो वो गिरोह कहाँ पर होगा वो गिरोह मस्जिद में आया जाना चाहिए कि जो सारे मोहल्ले को संभाले और सारे मोहल्ले के लिए कुरान और हदीस का अहतमाम करें और लोगों के लिए काम करें कि हम अपने लोगों के लिए अहल मोहल्ला के लिए इल्म दीन पहुँचाने का किस तरह जरिया बन सकते हैं तो ये जो है ये काम बहुत बड़े पैमाने पर मस्जिदों से हो सकता है माशा माशा हज़रत यानी कि आप ये इशाद फरमा रहे हैं कि नमाज के अलावा भी मस्जिद में खैर के काम किए जाने चाहिए तो इसमें Uh, आप क्या समझते हैं कि अगर प्रैक्टिकली इस हवाले से देखा जाए तो क्या क्या मामला मस्जिद मस्जिद से शुरू किए जा सकते हैं वो कौन से हैं हैं कि जिनकी तरफ आप दिलाना चाह रहे जी बहुत सारे ऐसे मामलाते हैं जो मस्जिद में रह कर किए जा सकते हैं मस्जिद में रह कर हम मस्जिद के इर्द गिर्द गुरबा की मदद कर सकते हैं मदद कर मस्जिद में रह कर दुरू से कुरआन की बाकायदा महफिलें सजाई जा सकती है मस्जिद में रह कर जो है हम सुन्नत व जमात का जो काम जो हो रहा है आपके सामने है इस मामले में जो है मस्जिद में रह कर बहुत जबरदस्त काम किया जा सकता है कि इमाम को जो है मुकम्मल जो है अथॉरिटी दे दी जाए दे दी है ना हमारे यहाँ पर इमाम को मुकम्मल अथॉरिटी छूट नहीं दी जाती इमाम को यह कहा जाए हमें काम चाहिए काम चाहिए। हमें काम चाहिए मसलक का दीन का काम चाहिए आपको मुकम्मल इख्तियार है आप हमें काम कर कर दे इमाम जो है काम करके आपको बता सकते हैं लेकिन मस्जिदों में ऐसे इमामों को मुंतखब किया जाए कि जो बाकायदा जो है काम करते हो जो जो है तखली की दिमाग रखते हो जी जी और लोगों में काम कर कर बताए काम कर, काम कर सकते हो इन शह बहुत जबरदस्त जो है मस्जिदें जो है मस्जिदों से बहुत जबरदस्त काम उठाया जा सकता है किया जा सकता है लेकिन जैसा काम होना चाहिए वो ऐसा हो नहीं रहा ज़त ये इशात फरमाइएगा कि मसाजिद के जरिए क्या दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का सिलसिला भी किया जा सकता है जी दुनियावी तालीम का भी सिलसिला दीनी तालीम के साथ साथ किया जा सकता है लेकिन वो एक अलग मैटर है कि दुनियावी जो तालीम होगी मस्जिद से हटकर होगी मस्जिद के साथ इमारत हो जैसे शाह तबुल तरमाते थे कि हर मस्जिद की कमेटी में एक बालग होना चाहिए एक बालग होना चाहिए अब बालग से मुराद उनकी ये थी कि एक आलिम दीन होना चाहिए और अल्लाह अहमद न सिद्दीकी थे कि हर मस्जिद के साथ एक सुन्नी सुन्नियों का इदारा होना चाहिए इदारा जो बाकायदा और मदरसे की शक्ल इख्तियार किए हुए हो और लोग लोगों के बच्चे और लोग वहां पर आए और अपनी इलमी प्यास बुझाए ये इदारे कायम होने चाहिए तो ये जो है बहुत हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए हमारी नस्लों के लिए बहुत माविन साबित हो गए जिससे जो है हम दीन का काम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं माशा तो मोहतरम नाजीन हमने सुनात साहब ये इशार फरमा रहे थे जहाँ मसाजिद में नमाजों का सिलसिला होता है साथ ही दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का सिलसिला भी किया जा सकता है गुराबा की मदद का सिलसिला भी किया जा सकता है गुफ्तु तो जारी रहेगी एक वक्े के बाद हमारे साथ रहिएगा दुरो दो दुआ दर आनो आनोजिक रे रसो दो खुदा बे तो सहाबी तल किरा तीन हक का सिखाना सलामत रहे दीन हक का सिखाना सलामत रहे मीम का ऐसा जज़बा सलामत रहे मीम का ऐसा जज़बा सलामत, सलामत रहे देखते रहिए

फिर इसके साथ ही हमने ये देखा है कि जा बाजा दीवारों पर जो है लिखा हुआ होता है कि इस्तारा करवाइए या इस्तखारा परेशानियों से छुटकारा इस हवाले से इर्शाद फरमाइएगा कि शरीय मुताहरा की क्या तालीमात हैं कि इस्तारा खुद किया जाए या इस्तारा किसी से करवाया जाए क्या बेहतर अर्शाद फरमाइएगा जी सब कराम नजवानल अजमीन कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तखारे की हमें तालीम इस तरह देते थे कि जिस तरह कुरान की सूरत की या आयत की तालीम दिया करते थे इस तरह इस्तारे की तालीम दिया करते थे तो सरकार तोलम वसल्लम इस्तारा करते नहीं थे बल्कि सब रिदवानल मजमाइन को तालीम देते थे कि आप इस बारे में इस्तारा करें इस्तारा क्या है इस्तारा खैर तलब करना अल्लाह तैर खैर तलब करना यह इस्तारा है अच्छा खैर के कामों में इस्तारा नहीं होता मिसाल के तौर पर किसी को सदका देना है तो वो इस्तारा करे कि जनाब मैं सदका दूं या ना दूं, नमाज पढूं या ना पढूं। खैर के कामों में इस्तारे नहीं होते इस्तारा उन कामों में होता है उन मुबाह कामों में होता है कि जहाँ पर हमें तजज्जुब हो कि ये काम मैं करूं या ना करूं, उन मामला में इस्तारा किया जाता है लेकिन आज जो है लोग इसी पर डिपेंड करते हैं कि मैं किसी से इस्तारा करवा दूँ कि एक फ़ोन पर मेरा इस्तारा हो जाए या फला जगह पर मैं चला जाऊं तो सेकेंडों में मेरा इस्तारा हो जाए हम उन इसखारा करने वालों की नफ़ी नहीं कर रहे वो भी ठीक इस्तारा करते हैं लेकिन सरकार ने इस्तारा तालीम फरमाया है और इस्तारा खैर तलब करना है अब जब बंदा खुद रबुलजल के हजूर हाजिर होगा और रब से खैर तलब करेगा इसतखारे की दुआ आप मदनी पंज में इसतखारे की दुआ मौजूद है नमाज मुतरजम जो मुफ्ती मौलाना शफ़ी औकारी साहब की नमाज है उसमें इस्ति की दुआ मौजूद है इसी तरह दीगर कुतुब में भी इस्ति की दुआ मौजूद है आप इसखारे की दुआ तर्जमे के साथ पढ़ेंगे ताला आपको मजा आएगा जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा कि उसमें किस कैसे अल्फाजूर सलाम ने अता की है जब वो दुआ आप अल्लाह के हज़ूर जो है वह दुआ करेंगे और फिर अपनी दुआ भी करेंगे और अल्लाह की जनाब में खुद से हाजिर होंगे आजिए। आजिए की इख्तियार करेंगे तो फिर अल्लाह की रहमतों का नजूल होगा आप जिस मामले में इस्तेखारा करना चाहते हैं खैर तलब करना चाहते हैं तो उस मामले में अल्लाह की रहमत जो है आपके साथ हो जाएगी और अल्लाह तसूसी मदद आपके साथ होगी उल लजीज जो भी मामला होगा खुली किताब की तरह आपके सामने आ जाएगा तो लिहाजा कोशिश करें कि इस्तारा खुद से करें इस्तारा खुद करें और इस्ते का जो मसरूम तरीका है उसी तरह जो है इस्तेखारा किया जाए यानी दो रकात नफिल नमाज इस्ख पढ़े और फिर जो है इस्ख की दुआ आप पढ़े और अल्लाह के हुजूर आप आजजी के साथ दुआएं करें और फिर जो है आप सो जाएं अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि इस्तारे में आपको कोई ख्वाब नजर आए कि ख्वाब नजर आएगा तो ही जो है आपको कोई इशारा हासिल होगा हाँ ये बुजुर्गो ने कहा है कि अगर इस्तारे में कोई सब्ज चीज देखे ख्वाब में या फिर कोई सफेद चीज देखे तो ये हाँ की तरफ इशारा है और अगर कोई काली या सुर्ख चीज़ देखे तो ये ना की तरफ इशारा है लेकिन अगर किसी को कोई ख्वाब ही नजर ना आए वो इस्तिखारा करता है लेकिन उसको इस्तिखारे में कोई ख्वाब ही नजर नहीं आया तो कोई मुजायके वाली बात नहीं तो वो एक दिन या तीन दिन या सात दिन करे तो ये सबसे बेहतर है तो वो देखे कि उसका जहन किस तरफ जा रहा है जिस तरफ उसका जहन जा रहा है अब जिस बात का दिल चाह रहा है तो समझे कि इस्ते में उसी तरफ इशारा आ रहा है तो इस्तारा खुद करना चाहिए अल्लाह ताला अल्लाह ताला से आज़ज़ी आज़ज़ी के साथ दुआएं करनी चाहिए तो इन ताला आप जो भी काम कर रहे हैं तो अल्लाह की रहमत जो है आपके उस काम में मुआविन होगी और काम आसान हो जाएगा नुकसान से बच जाएंगे देखिए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह ताला से किसी काम में रहनुमाई तलब करता है वो कभी भी खसारे में मुबतला नहीं होता वो खसारे, हो? से खसारे से बच जाता है खसारे से बच जाता है तो खुद से इस्तेखारा करना चाहिए अगर साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि आला हजरत के हवाले से आला हजरत की तलीमत के हवाले से बदात के रत में हमें क्या दलाइल मिलते हैं कि जो मौजूदा दौर में जो बाज बादतें ऐसी हैं कि जिनका शायर सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है तो उन बिदात के रद में सदी आला हजरत रहमा की क्या तलीमा हैदी तदात है बिदातों को ख़त्म करने वाले हैं आल्हदरत इमाम सुन्नत रदी अल्लाह तु ने बदात सगआत का सख्ती से रद्द फरमाया सख्ती से रद्द फरमाया अच्छा बाज लोग इन बदात सगआ को अहल सुन्नत व जमात से चस्पा करने की कोशिश करते हैं जबकि इमाम अह सुन्नत रदी अल्लाह तु ने इसका सख्ती से रद्द फरमाया जैसे मिसाल के तौर पर मज़ार पर अगर कोई सजदा करता है तो इमाम अहल सुन्नत रदी अल्लाह तु ने इसको नाजायज़ लिखा है नाजायज़ व हराम है किसी को सजदा ताज़ीमी करना जी जी और अगर सजदा उसको इलाह समझ कर कर रहा है तो फिर ये शिर है वरना सजदा सजदाय तना नाजाइज वो सजदा करना नाजायज तो फिर इमाम अहल सुन्नत रजी अल्लाह तु ने तो मजार को चूमना भी मना लिखा है बल्कि इमाम अहिल सुन्नत रजी अल्लाह तु ने फरमाया जब मजार पर आप हाजिर हों तो चार हाथ के फासले पर खड़े हों साहिब मजार के सीधी तरफ और जो आपको आता है वो पढ़े और साहिब मजार को ईसा सवाब करें उनके वसीले से दुआ करें ये अहले सुन्नत व जमात का तरीकेकार है अब साहिब मज़ार पर आपने देखा होगा कि एक चादर के अलावा सैकड़ों चादरें रखी हुई होती है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसकी भी मुमानियत फरमाई इसकी भी मुमानियत फरमाई इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया एक चादर काफी एक चादर काफी है और एक ही चादर होनी चाहिए और साहिब मज़ार पर चादर सिर् इसलिए रखी जाती है ताकि वो दूसरी खबरों से मुमताज हो जाए ताकि पता चल जाए कि ये किसी आम फर्द का मज़ार नहीं है बल्कि ये किसी अल्लाह के वली का मज़ार है तो आपने तो चादरों का भी मना फरमाया इसी तरह इमाम अहले सुनत रजी अल्लाह तु ने इसकी भी ममानियत फरमाई जो आज लोग घरों में वसे आजम के नाम के ख्वाजा गरीब नाम के ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के दिए जलाते हैं मामे अहले सुन्नत ने इसका भी मना फरमाया कि ये दियो में तेल ज़ाया ना किया जाए बल्कि जो है ये तेल को चाहिए कि जितना तेल जला रहे हैं इतना तेल किसी गरीब पर तस्दुक कर दे इसी तरह जो है कांधों के नीचे बाल रखना ये भी बिदात है इसी तरह जो है मजामीर और जो है मजारात पर औरतों का आना आला हदरत इमाम अहल सुन्नत ने इन सब चीज़ों की और नफी फरमाई है तो अहले सुन्नत व जमात वो है अहले सुन्नत व जमात सुन्नत वाले और साहबा की जमात वाले हम बिदाती लोग नहीं हैं बल्कि जो है हम सुन्नत वाले हैं और साहबा की जमात वाले हैं जो साहबानजमाइन का अकीदा है वही हमारा अकीदा है साहबा के अकीदे में और हमारे अकीदे में कोई फर्क नहीं है हाँ बिदात हसना का इजाफा जरूर आप दिखा सकते हैं लेकिन अकीदे में कोई फर्क आप नहीं बता सकते जिस तरह जो है अजान से पहले कोई कहता है कि दुरुद पाक पढ़ना साहबा ने तो नहीं पढ़ा हजरत बिलाल हबशी ने तो नहीं पढ़ा तो हम अगर पढ़ते हैं तो ये बिताते हसना है अच्छी चीज है और इमाम अहले सुन्नत ने इसका भी तरीके कार अता फरमाए कि आप इसको अजान के साथ नहीं जोड़ेंगे यानी दुरुद पाक पढ़कर फौरन से अजान देना इस तरह ना करें क्योंकि तो लोग समझेंगे कि दुरुद पाक अजान का जुज है बल्कि अजान के लिए जब दुरुद पाक पढ़े तो छह सेकेंड का वकफा दे ताकि वो अजान से जुदा हो जाए अब अजान कहना शुरू करें तो इमाम अहले सुन्नत ने इसका भी तरीकेकार हमें अता फरमाया तो बिदात हसाना तो कोई बता सकता है लेकिन बिदात आ और जो है अकायद के खिलाफ कोई अकीदा अह सुन्नत व जमात में आप नहीं बता, नहीं बता सकते क्योंकि हम वही है अहल सुन्नत सुन्नत वाले और साहबा की जमात अलहमद क्या बात है माशा माशा लेंगे एक वक्फा और वक्फे के बाद इन शाला गुफ्त जारी रहेगी हमारे साथ अल्लाह पाक की रहमतों का परेशानियों और मसाइल के हल के लिए देखते रहिए मीम टीवी वेलकम बैक नाजर ग्राम म के मेहमान जारी है और आज हमारे मेहमान हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सज्जाद उस्मान मदनी दामदरकातमिया वक्फ़े से कबल भी हजरत से गुप्तगु जारी थी हज़रत यह इर्शात फरमाइएगा कि फ़ी जमाना उम्मत मुसलिमा के जवाल की जो वजूहत हैं उनसे मुतल आप क्या इशात फरमाते हैं क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से मुसलमान परेशानी के शिकार नजर आते हैं और आलम इंसानियत में मुसलमानों को वो पजीरा नहीं मिल रही कि जो माजी में हमारे अकाबिलन को मिलती रही इस सवाल का जवाब इस मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक हकीम के पास एक बूढ़ा आया और उस बूढ़े शख्स ने ज़यीफ शख्स ने हकीम से कहा कि मेरी पीठ में बहुत दर्द होता है तो हकीम ने कहा कि ये तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से तो फिर वो कहने लगा कि मैदा भी सही काम नहीं कर रहा तो हकीम कहने लगा कि ये तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है चाचा जी ये आप दवाई इस्तेमाल करें शिफा देगा फिर वो कहने लगा नजरे भी कमजोर है फिर कहा बुढ़ापे की वजह से फिर उसको गुस्सा आ गया कहा सब बुढ़ापे की वजह से तो फिर जो है हकीम ने कहा जनाब आपको जो गुस्सा आ रहा है ये भी बुड़ा बुड़ा पे 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 की की तो आज जो हमारा हाल है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि दामन मुस्तफ़ा सल्लाम छोड़ने की वजह से वरना साहब इक्राम रिदवान के पास ना जदीद हथियार थे और ना कोई साजो सामान था ना कोई मालो दौलत था उन्होंने अकायदा के दामन अकदस को पकड़े रखा तो सईद फारुक आजम रदी अल्लाह सद के, के तुफ़ैल आधी दुनिया से ज्यादा रकबे पर जो है इस्लाम का झंडा आपने लहरा दिया बेशक, बेशक। और इस्लाम वहां तक फैल गया और सईदाना फारुक आजम रदी अल्लाह की रियासत के बारे में कहा जाता है कि अगर औरत सोने का ढेला लेकर आपकी रियासत के एक कोने से दूसरी कोने तक चली जाए और खेलती हुई चली जाए उससे तो किसी की मजाल नहीं है कि उस ढेले को उस औरत के हाथ से छीन ले किसी की ये मजाल नहीं है तो फारूक आजम रजी अल्लाह तु ने इतनी अजीम रियासत कायम की तो किस किस वजह से कैसे कायम की आपने आका करीम सल की इतात करते हुए और हज़ूर अली सलाम के दामन को थाम कर आपने जो है इतनी अजीम और जबरदस्त रियासत कायम की फिर सईदा उस्मान गनी रदी अल्लाह फारुक आजम के बाद इससे बड़ी रियासत पर हुकूमत की और कामयाब की और कामयाब जो है आप खलीफा बने तो सयदना फारूक आजम सईदना अबकर हज़रत ऊस्मान गनी हजरत अली उलमरत रिदवानी ने जो काम किया वो आज काम क्यों नहीं हो रहा उम्मत जो है दिन ब दिन पस्ती की तरफ क्यों जा रही है जवाल का शिकार क्यों है इसकी बस वजह यही है कि हमने जो है कुरान की और अदीस तय्यबा की तलीमत से हजूर की सीरत मुबारक से मुंह मोड़ लिया है वरना तो कुरान मजीद में तो जलाल अर्शाद फरमाता है व अन तुम तुमीन अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे लेकिन आज हम गालिब नहीं मगलूब है तो कुरान मजीद में जिस मोमिन की बात हो रही है वो मोमिन कामिल है तो जब तक मोमिन कामिल थे तब तक इस्लाम गालिब था तो आज जरूरत है इस बात की कि हम मोमिन कामिल बने तो इन जब मोमिन कामिल बनेंगे तो इस्लाम फिर गालिब होगा और कुफ्र मगलूब होगा आज जो है हमारी मस्जिदें वीरान है मस्जिदों में अगर मस्जिदों के इर्द गिर्द हम आबादी देखें मिसाल के तौर पर एक मस्जिद के इर्द गिर्द की आबादी दस हजार लोगों पर मुश्तमिल है और उस मस्जिद में जमात में अगर हम लोगों को देखें तो सौ आदमी भी नहीं है तो मतलब यह है कि एक फीसद लोग भी नमाज नहीं पढ़ रहे तो अफसोस का मकाम है पूरा पूरा घर हफ्तों गुजर जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला को सजदा नहीं हो रहा तो हम परेशान भी होंगे और पस्ती का शिकार भी होंगे तो हमारी आबादी और हम हम गालिब हो जाए इसकी एक ही सूरत है हम जो है कुफार को मखलूब कर दे इसकी एक ही सूरत है कि हम दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़ ले और हम जो है इस्लाम की तालीमात को अपनाने वाले बन जाए तो इन शाह ते हमारी मगलूबीत करीब खत्म हो जाएगी और मुसलमान एक मरतबा फिर गालिब हो जाएगा बेशक बेशक जैसा कि शायर मशिक डॉक्टर इकबाल का शेर है कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो हज़रत ये शायद फरमाइएगा कि जैसा आजकल क्योंकि अब हमारा वक्त भी खत्म होता जा रहा है तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आखिरी सवाल हमारा होगा विरासत के हवाले से जो मामलाते हैं वालदेन के इंतकाल के बाद विशाल के बाद औलाद में जब विरासत तकसीम की जाती है तो अमूमन देखा गया है कि मुनसिफाना तकसीम नहीं होती शरीयत के दायरे में रहते हुए तकसीम नहीं की जाती और फिर अमूमन ऐसा भी होता है कि बहनों का हक मारा जाता है

यानी औरतों के लिए भी उनके वालदेन के माल में से हिस्सा है और मर्दों के लिए भी उनके वालदेन के माल में से हिस्सा है फिर आगे कुरान ने क्या अर्शात फरमाया मिम्मा कल्ला हो मिमा पलाहुर वो कम हो या ज्यादा अगर किसी के वाले में से दोनों का या किसी का इंतकाल होता है तो उनके माल में से कम हो या ज्यादा वो एक सौ रुपया ही क्यों ना हो उनके माल में से जो त, माल में से औलाद का हिस्सा है औलाद को शरीयत के मुताबिक उनका माल मिलना चाहिए लेकिन आजकल अफसोस का मामला यह है कि अगर बड़े भाई के पास दुकान है तो वो दुकानों पर काबिज हो जाता है छोटे भाई के पास अगर घर है तो वो घर पर काबिज हो जाता है और बहनों को जो है हिस्सा नहीं मिलता या फिर जो बीच का कोई भाई होता है या छोटा भाई होता है या बड़ा भाई होता है जो घर से कभी अलग हो गया था अब जो है वो वालिदैन की विरासत से महरूम हो जाता है याद रखें कि विरासत का माल भाई बहनों का माल अगर कोई खाएगा तो गोया के वो अपने पेट में आग का अंगारा डाल रहा है आग का अंगारा डाल रहा है लिहाजा जो है विरासत का माल तकसीम होना जरूरी है फिर इसमें एक बुजुर्ग रहमा जो है एक शख्स की अयादत को आए तो उस शख्स की अयादत के दौरान उसका इंतकाल हो गया जब इंतकाल हुआ तो फौरन उन्होंने दिए को बुझा दिया और कमरे में अंधेरा हो गया और वो फौरन चटाई से हट गए किसी ने पूछा कि आप यहां से क्यों हट गए और दिया आपने क्यों बुझा दिया कहा कि ये चटाई जो है ये मरहूम की मिलकियत है और ये दिए में जो चे तेल जल रहा था ये भी मरहूम की मिलकियत है लेकिन इसकी मिलकियत तब तक थी जब तक ये जिंदा था अब जो है इसका इसका ये माल नहीं रहा इसकी औलाद की तरफ ये मुंतकिल हो चुका है और औलाद में इसके नाबालिग बच्चा भी है तो नाबालिग की चीज तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते तो यहां पर जुल्मे भी हो रहा होता है कि नाबालिग के विरसे को भी दबा लिया जाता है तो नाबालिग का विरसा दबाना नाबालिग की मीरास दबाना यह भी नाजायज व हराम है और अपने बहन भाइयों की मीरास को दबाना यह भी नाजायज व हराम है तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर वालदेन का इंतकाल हो तो ज्यादा दिन इंतजार ना किया जाए बल्कि जो है तीन दिन के बाद विरासत तकसीम हो जानी चाहिए तीन दिन के बाद विरासत तकसीम हो जानी चाहिए फिर मजीद जो है आखिर में मैं वाले से ये गुजारिश करूंगा कि आप जो है अगर समझते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी औलाद में नफरत हो सकती है नफरत पैदा हो सकती है तो आपसे गुजारिश है कि आप किसी मुफ्ती साहब के पास जाए और उनसे कहें कि मेरे इतने बेटे हैं इतनी बेटियाँ हैं और मेरे मरने के बाद इनके दरमियान जो है कोई नफरत ना हो और सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी में वसीयत बना लें याद रखें कि वसा के लिए वसीयत, वसीयत काबिल कबूल नहीं है शरीयत में लेकिन आजकल जब किसी का इंतकाल होता है तो सबसे पहले जो है वसीयत को ढूंढा जाता है तो आप वसीयत बनाएं शरीयत के मुताबिक वसीयत बनाएं शरीयत के मुताबिक कि मुफ्ती साहब आपको लिख कर देंगे कि आप का मिसाल के तौर पर इंतकाल हुआ आपके इतने बेटे हैं इतनी बेटियां हैं और वाइफ हयात हैं लिहाजा आपके माल के इतने इतने हिस्से किए जाएंगे और आपके हर बेटे को इतना हिस्सा हर बेटी को इतना हिस्सा और आपकी वाइफ को इतना हिस्सा मिलेगा जब मुफ्ती साहब आपको वो फतवा बना कर देते दे, हैं तो आप बिल्कुल उसके मुताबिक आप अपनी वसीयत को कायम कर दें कि मेरे इंतकाल के बाद अगर ये ये वारिसन मौजूद हो क्योंकि एक वारिस का भी इंतकाल होगा तो मसला चेंज हो जाएगा मसला तब्दील हो जाएगा अगर मेरे वारिसन ये ये मौजूद हो तो मेरे बेटे के लिए इतना हिस्सा है मेरी बेटी के लिए इतना हिस्सा है और मेरी वाइफ के लिए इतना हिस्सा है तो आपके मरने के बाद आपका माल भी शरीयत के मुताबिक तकसीम हो जाएगा और आपकी औलाद में नफरतें भी नहीं होगी अफसोस का मकाम यह है कि आज जो है अदालतों में यह हाल है कि भाई ने बहन पर बहन ने भाई पर केस किया हुआ है और पहले ये भाई बहन एक दूसरे के लिए रहते नहीं थे एक दूसरे के बगैर लेकिन आज जो है नफरतें इतनी उरूज पर पहुंची हुई है कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते सिर्फ माल और दौलत की वजह से सिर्फ माल और दौलत की वजह से लिहाजा आप समझते हैं कि जो है आपके जाने के बाद ये शरय तकसीम नहीं होगी बल्कि ये जो है आपस में लड़ेंगे और शरय तकसीम पर राजी नहीं होंगे तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा अपनी जिंदगी में शरीयत के मुताबिक आप जो है वसीयत तैयार कर लें ताकि आपके जाने के बाद आपकी औलाद में महबतें कायम रहे बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए अपने मेजबान शाहरुख फिरोज का दीजिए इजाज़त असल वस्तना मालूम पर मबनी अनोखे और मुनफरिद प्रोग्राम लाता है आप और आपकी फैमिली के लिए आपका अपना मीम टीवी We're going to be learning, reading namaz and all sorts of islamic things. La ilaha illallah, amat al rasool Namaz, ki doon mein hai. The There's learning time and sunnah time and praying time and love time. There's always such a great time and it's mini-mean time. It's mini-mean time with the Mirza. It's mini-mean time with the Mirza.